एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प देखने के लिए मिली। चीनी सैनिकों की घुसपैठ का भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर संसद में भी झड़प की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने जहां जमकर हंगामा किया, वहीं राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में अलग अलग जवाब पेश किया और कहा कि हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। तो लगातार जो चीन की ओर से रुख अपनाया गया है, और इससे पहले गलवान घाटी और गलवान घाटी के बाद भी कई इलाकों में इस तरह की छोटी घटनाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन एक बार फिर बीती 9 तारीख को झड़प देखने के लिए मिली तवांग में अरुणाचल प्रदेश के। ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको रूबरू करा दें, पहले प्रोफेसर ललन प्रसाद, विदेश मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ आलोक सहाय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत में आलोक साय जी आपके साथ करना चाहूंगा, जो चीन का ये पूरा रवैया है गलवान घाटी में, जिस तरह से जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद माना यह गया कि भारतीय तरफ से भी जो भारत का पक्ष है उसने भी अपनी तैयारियों को तेज किया और जो बंदोबस्त थे उन्हें पुख्ता किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चली, लेकिन तमाम चीजें धरी की धरी नजर आ रही हैं। एक बार फिर चीन का जो आक्रामक रवैया है, जो घटना तवांग में हुई है, कितना खतरनाक, गंभीर और चिंताजनक मानते हैं आप इसे? आलोक साहिजी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? चीन जी इस तरह की कोशिश करता रहा है और जहां पर चीन ने हमला किया है ये बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, इसके पास ही भूटान है, भूटान की सीमा लगती है और इस एरिया पर पहले से ही चीन की नजर रही है और पहले भी चीन इस पर आक्रमण करता रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना अपना हिस्सा मानता है और इसके पहले जो चढ़ाई इसमें पहले चीन की थी अरुणाचल प्रदेश में, तब भी मुंह की खाई थी और इस वक्त तो हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से इनको पीछे तक धकेला है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, क्योंकि ये इतना नजदीक आए कैसे, अगर इन्होंने कोई प्लानिंग पहले से की थी और ये आ रहे थे तो हमारी सेना को पता नहीं था क्या कि इतनी जल्दी वो पहुंच जाएंगे वहां पर, और जब एकदम हमसे हमारी सीमा पर आ गए, अंदर आ गए, तब जाके हमारी सैनिकों ने इसको रेटिलिएट किया, तो शायद कहीं कुछ चूक हुई है, नहीं तो जब इनकी चाल के ऊपर अगर हमारी नजर होती कि सेना कहाँ से कहाँ आ रही है और किस तरह की अपना वहाँ पर एक अड्डा और बनाना चाहते हैं, इसकी पहले खबर शायद ठीक से नहीं मिल पाई, ये हमला एक बैक हुआ है और इस तरह की चीज़ों को रोकनी चाहिए कि जो ट्रेन हमारी सीमा पर है उसको 24 घंटे इतना अलर्ट होना चाहिए कि चीन की हर मूवमेंट पर हमको निगाह रखनी होगी, क्योंकि चीन इस बात की ताक में रहता है कैसे अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में करें और कैसे वहाँ पर हमला करें, चाहे वो छुप के करें, चाहे एक बाइक करें, चाहे कुछ करें, कुछ इसमें हमें और सावधानी की आवश्यकता है और ख़ासतौर से एयर सर्वेलेंस मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी हवाई सेना को इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए और बराबर देखते रहना चाहिए कि चीन की मूवमेंट इस एरिया में कितनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक एरिया है और इस पर हमें बहुत दृढ़ता से कायम रहना है और सेना को भी और हमारी वायुसेना को भी सबको बहुत सतर्क रहना है। ठीक है ललन प्रसाद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार रुख करते हैं आलोक साहे जी का। आलोक साहे जी, जिस तरह से ललन प्रसाद जी कह रहे हैं कि चीन का जो रवैया है वो अरुणाचल पर कब्जा करने का है, लेकिन आपका क्या मानना है, क्या एक कब्जा करने की कार्रवाई, चूंकि इससे पहले भी इसी इलाके में जो झड़प है देखने के लिए मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरह से बताया गया, संसद भवन में भी आज जानकारी रक्षा मंत्री की ओर से दी गई, जो तैयारियां हमारी थी, जो हमारे सैनिक थे वो पहले से तैयार थे, और चीन कहीं ना कहीं ताक में इसी बात पर बैठा रहता है कि कब मौका मिले और इस तरह से भारत को उलझाए रखा जा सके, इसके पीछे आप मकसद क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? आलोक साहिजी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
लगता है आलोक साई जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल जी, सवाल यही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या मकसद आप समझ पा रहे हैं, जो चीन की ओर से लगातार इस तरह से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, चीन के मकसद तो बिल्कुल स्पष्ट है रितेश जी, कि वो एक तरह से धूर्त देश है और लगातार जो है कि एक तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेके तो उसके काफी पहले से जो है कि वो लगातार दावेदारी ठोकता रहा है। उसमें तवांग का क्षेत्र और भी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, जो सीमा क्षेत्र से जानकारियां आ रही है। देखिए, हमारे सेना के जवानों ने लड़के उन्हें जरूर जो है कि वहां से हटाया, लेकिन आप सोच के देखिए कि वो हिम्मत किस तरह से कर पाते हैं, ये एक बड़ा सोचने वाला विषय है। पिछले अप्रैल महीने से ही चीन की आक्रामकता में काफी ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। जो वहां से जानकारियां आ रही हैं कि लगातार उनके तरफ से जो है कि वो ड्रोन आते हैं, उनकी तरफ से जो है कि हवाई सर्विलांस में भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, भारतीय वायुसेना को सामने से आके जवाब देना पड़ रहा है। और जो देखिए रितेश जी, जो कुछ और टेंशन वाली चीजें हैं कि कहीं कहीं जो भारतीय सीमा क्षेत्र है, लगातार पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल, वो अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे जो है कि सैटेलाइट की जो तस्वीरें आ रही हैं, तो पास के क्षेत्र में वो कहीं 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 पे वो सड़क का निर्माण करता है, कहीं पे वो गांव का निर्माण करता है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार उसके तरफ से बढ़ रही है। ऐसे स्थिति में बड़ा आवश्यक है कि देखिए, सेना तो हमारी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सरकार को भी कहीं कहीं और आक्रामक स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब रितेश जी गलवान के घटनाक्रम हम लोगों के सामने आया था और उसमें भी इस प्रकार के तनाव की स्थिति बनी थी जी, तो भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, जैसे उनके एप्स, चीनी एप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, चीनी जो विदेशी जो चीनी एफडीआई के को लेके उसके ऊपर काफी प्रतिबंध लगाए गए थे उस जमाने में। साथ ही साथ ये भी चीज कहा गया था कि मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा और चीन को आयात में कमी किया जाएगा। लेकिन उल्टे दिखे रितेश जी, स्थितियां क्या बनी है, जो जनवरी से लेके जो अभी सितंबर तक की स्थिति है, $89 अरब का आयात चीन से हो चुका है, और जो ये पिछले साल से तुलना करें तो 44% उसमें वृद्धि है। यानी इस साल जो चीन से आयात हो रहा है प्रथम 9 महीने में, वो अब तक का सबसे ज्यादा आयात है। तो ये इन मामलों पे हम लोगों को बड़ा काम करने की जरूरत है कि हम चीन के ऊपर अपनी निर्भरता कैसे घटाएं और ये उसके ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जाए। चूंकि देखिए, शंघाई सहयोग संगठन वो हमारे साथ है, अभी भारत G20 का भी जो है कि इस समय हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर चीन का ये दुस्साहस है तो उसमें उसको और कठोरता से उसको जवाब देने की जरूरत है कि वो इस तरफ सीमा के इस तरफ वो आंख भी ना देख सके, उठा के देख सके। क्योंकि देखिए, ये तो तय बात है कि देर रात 9 दिसंबर को जो चीजें घटी है वहां पे, अचानक से आके उन लोगों ने जो है कि हमला किया है, कुछ ऐसी स्थितियां बनी है जिसको हमारे सेना के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो कहीं कहीं हम लोगों को अब चीन के सीमा पे और ज्यादा हम लोग को एक्टिव होने, राहुल जी आपको क्या लगता है कि अचानक से घटी घटना है या फिर चीन इसी ताक में बैठा रहता है कि कब मौका मिले और इस तरह से जो घटनाएं पेश आती हैं चीन की ओर से उसे अंजाम दिया जाए? चूंकि आज संसद भवन में भी ये जानकारी दी गई, जो यथास्थिति है उसे कहीं ना कहीं बिगाड़ने का प्रयास चीन की ओर से किया गया, क्या अचानक से घटी घटना नजर आती है या फिर इसके पीछे सोची समझी कोई साजिश आपको दिखाई देती है? ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। देखिए, एक तरह से क्या है कि सीमा को लेकर परसेप्शन का डिफरेंस है, उसी का लाभ उठाता है जी। हम लोगों का भारतीय जो है परसेप्शन है, इंडियन परसेप्शन, वो कुछ अलग है, चाइना का परसेप्शन कुछ अलग है। लेकिन ठीक है, परसेप्शन अलग है, लेकिन सीमा पर यथास्थिति तो रहनी चाहिए। चीन बार बार प्रयास करता है कि उस यथास्थिति को किस तरह से बाधित किया जाए, और वो बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत करता है। हम लोग गलवान के भी जो झड़प हुए थे वो उसी रूप में हुए थे, पेंगोंग लेक के पास जो तमाम तनाव के बिंदु बने थे वो उसी रूप में थे। तो आपको याद होगा रितेश जी, कि उसमें भी भारतीय सेना ने बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया था, और जो अलग अलग ऊंचाई वाले क्षेत्र थे उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जो है कि हम लोगों ने वहां से उनके सामरिक जगह पे जहां से और ज्यादा आघात पहुंचाया जा सके, उन सब क्षेत्रों पे भारत ने कब्जा भी किया था उस। ठीक है जी, मैं लौटूंगा आपके पास राहुल जी, लेकिन एक बार रुख द्वारा करते हैं ललन प्रसाद जी का। ललन प्रसाद जी, जो एक कार्रवाई चीन की ओर से की जा रही है, जिस तरह से राहुल जी ने भी कहा कि ये सोची समझी कहीं ना कहीं साजिश है और लगातार भारत को उलझाए रखना चाहता है, लेकिन भारतीय तैयारी को अगर हम देखें, 2020 में पहले लद्दाख में चीन की ओर से जिस तरह से अटैक किया गया, अब अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ इसी प्रकार की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, आखिर क्या कुछ ऐसी वजहें हैं जो चीन लगातार इस तरह की जो एक्शन है या फिर जिसे कहें दुस्साहस है वो लगातार कर रहा है? देखिए, चीन की रणनीति बहुत साफ है इस मामले में। भारत इस समय चीन से आगे निकल रहा है आर्थिक दृष्टि से, और मिलिटरली भी भारत एक बड़ा पावर बनने जा रहा है, क्योंकि भारत ने जो मेक इन इंडिया के अंदर
डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का सब बड़े बड़े कारखाने लगा दिए हैं और भारत बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है दुनिया में। तो चीन इस बात को समझ रहा है कि भारत दिनों दिन इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी और ताकतवर हो जा रहा है, तो भारत को कैसे रोका जाए। और ये उसकी बहुत सोची समझी रणनीति कि कहीं ना कहीं भारत को उलझाए रखा जाए ताकि इनकी जो इनके जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर आँच आए और ये अर्थव्यवस्था को जो इतना आगे ले जा रहे हैं और जितना दुनिया में इतना आगे बढ़ रहे हैं मिलिटरली और स्ट्रेटेजिकली, उसको चीन रोकना चाहता है। इसलिए भारत को उलझाए रखना चाहता है। और ये भारत को ही नहीं, चीन इस तरह की स्ट्रेटेजी और बहुत सारे अपने पड़ोसियों के साथ किए हुए, जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है तो वो कहता था कि ये एरिया हमारी है और ये हमारे नक्शे में है और वहाँ हमला कर देता है और बहुत सारे देश चीन से परेशान इस बात को लेता है। तो भारत को ही उसमें अकेला नहीं है, लेकिन भारत अब चूंकि चीन के मुकाबले में आ गया है इसलिए चीन की रणनीति और स्पष्ट होती जा रही है कैसे भारत को उलझाए रखें कि अपनी वो प्रगति इतनी तेजी से न कर सके जैसे भारत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री हमेशा से रहा है। देखिए अगर 1960 से और शुरू से आप देखें 60-70 साल पहले की हिस्ट्री, और मुझे याद है जब चाउ एन लाई इंडिया में आए थे तो प्रधानमंत्री नेहरू ने बड़ा भव्य स्वागत किया था और जगह जगह हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई इससे नारे लगवाए गए थे और इनको रेड कारपेट दिया गया था चाउ एन लाई को। लेकिन उससे कुछ ही दिन बाद उन्होंने भारत के ऊपर हमला कर दिया। और ये देखिए जो आपके इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं इनका भी कितना स्वागत मोदी जी ने किया था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इनको बुला के गुजरात में झूला झुलाया सब कुछ किया। लेकिन इनकी नीयत हमेशा से खराब रही है और ये कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने से ये दोस्त नहीं बन जाएंगे। इनके ऊपर तो ताकत से ही आप इनसे लड़ सकते हैं और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मिलिट्री को और भी स्ट्रांग बनाएं और उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करें और एयर डिफेंस भी वहाँ पर बहुत तगड़ी रखें ताकि इनकी हर चाल हमारे निगाह में हो और हम इनके साथ जूझ सकें जब भी ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये इस तरह के स्कर्मिशेस करते रहेंगे और हमें ये मान के चलना होगा कि हमें 24 घंटे इनके खिलाफ तैयार रहना है। 24 घंटे चीन की जो आक्रामक नीति है उसके खिलाफ तैयार रहना ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच आलोक साय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक साय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है अभी भी आलोक साय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन राहुल जी, जो ये चीन की नीति है, विस्तारवादी नीति, सबको पता है, पूरा इतिहास हमारे सामने है किस तरह से चीन ने एक के बाद एक छुरा घोंपने का काम किया है भारत के सीने में। लेकिन जिस तरह से पहले लद्दाख में फंसाए रखना, अब अरुणाचल प्रदेश में फंसाए रखना, आखिरकार चीन की नीति क्या है? चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि चीन में जो राजनीतिक अस्थिरता है, चाहे वो कोविड की वजह से हो या फिर अन्य जो कारण है, उसकी वजह से भी चीन की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं परसेप्शन के लिए वहां की जनता के नजर में भी। बिल्कुल रितेश जी, देखिए चीन अगर हम लोग देखें अभी तो सी जिनपिंग के ऊपर काफी दबाव है, तो वो अपने आंतरिक मामलों से ध्यान भटकाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि चीन का जो मित्र राष्ट्र है पाकिस्तान, वो भी इसी मामले का प्रयोग करता रहता है कि आंतरिक स्थितियां बिगड़ जाए तो भारत के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दो, तो चीन भी ये चीज कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि 2020 से लेके अब तक कंटिन्यूटी में, तो कहीं ना कहीं जो हमारा LAC है वहां पे तनाव के बिंदु बने हुए हैं। भारत सरकार को अब कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, जैसे कि वहां पे हमारे जो सैनिक होते हैं वो सशस्त्र नहीं होते हैं, वो सामान्य आप देखिए वो डंडे वगैरह जो परंपरागत हथियार होता है उसी के साथ होते हैं। तो अगर बार बार चीन के साथ आक्रामकता में वृद्धि हो रही है तो अब तो पहले उस प्रकार के मामलों पे कि अब निर्णय बदलने का अगर समय आ चुका है, निर्णय बदल देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, देखिए कि आप उसके साथ लगातार वार्ता करते हैं, चीन की एक शैली ये भी होती है रितेश जी कि वो आपको लंबे लंबे वार्ताओं में उलझा के रखता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2020 के समय से ही कमांडर स्तरीय वार्ताएं होती हैं, वो एक वार्ता, दो वार्ता, तीन वार्ता, फिर उसके परिणाम नहीं निकलते हैं, फिर थोड़े मोड़े परिणाम मिलते हैं, फिर चीन जो वादा करता है कि हम यहाँ से अपने सैनिकों को इतना पीछे हटाएंगे, तो जितना वो वादा करता है उस वादा को वो उससे काफी कम वो पूरा करता है। उदाहरण के लिए देखिए कि हम भारतीय सैनिकों ने, सेना ने जो है कि वो कैलाश रेंज के ऊपर हम लोगों ने जो है कि
अपनी बढ़त बना ली थी, लेकिन फिर चीन के साथ समझौता में जो है कि वार्तालाप के अंतर्गत हम लोग वहां से हटे कि वो फिर से अपने पुराने स्थिति पे आएंगे। लेकिन चीन एक तरह से कहीं से भी विश्वास योग्य नहीं है, तो इसलिए जो अभी ललन जी कह रहे थे कि उसके साथ एक कठोरता की स्थिति होनी चाहिए और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल जी, सवाल तो यही ना, कठोरता की नीति क्या हो? चूंकि जिस तरह से आपने पहले कहा कि चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया या फिर अन्य कदम जो उठाए गए, लेकिन आयात लगातार उसके बावजूद भी जारी है, हालांकि मेक इन इंडिया की बात लगातार सरकार कहती है। ऐसे और कौन से फोरम हो सकते हैं जहां पर भारत कूटनीति के स्तर पर चीन को मात दे सकता है? देखिए, भारत के पास मौके बहुत है अभी इस समय। नंबर वन तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अभी भी, अगर भारत सरकार और तमाम हमारे यहाँ पे उद्योग जगत को लेके अगर एक निश्चित रूप से योजना बनाया जाए तो हम लोग चीन के ऊपर अपनी निर्भरता काफी हटा सकते हैं। अब सोच के देखें कि चीन, मान लीजिए कि जो मेडिसिन के क्षेत्र में उसके ऊपर निर्भरता है, उसको लेके कई तरह के काम भी हो रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आप दूसरे, आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत देखिए, उल्टा अब तो दुनिया में भारत की गिनती इस रूप में हो रही है कि जो चीन में जो चीन से कंपनियां आ रही है वो भारत को कहीं कहीं अपने योग्य देखती है। तो हमें वैसे कंपनियों को किस तरह से चीन प्लस प्लस की जो पॉलिसी चल रही है उसमें भारत की जो एक विशिष्ट स्थिति अभी से नहीं बनी है रितेश जी। अगर हम लोग देखें तो जब से चीन अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा था उसी समय से भारत के प्राइम मिनिस्टर। मैं लौटूंगा राहुल जी आपके पास इसी बिंदु को लेकर, जो ट्रेड है और जो कदम है और कौन से हो सकते हैं। आलोक साहे जी से नेटवर्क इस बीच जुड़ गया है। आलोक साहे जी, एक तरफ लद्दाख में 2020 में घटना हुई, उसके बाद भी कुछ इलाकों में इसी तरह की जो झड़प की बातें सामने आती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ चीन के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत भी लगातार जारी है, कई दौर की बातचीत देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन की जो नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और तवांग में जो घटना पेश आई है 9 तारीख को, कितना गंभीर और चिंताजनक आप इसे मानते हैं? देखिए, चीन की जो नीति रही है वो हमेशा विश्व के हर क्षेत्र में आक्रामक विस्तारवाद की उसकी नीति रही है। आप चाहे हांगकांग देखिए, चाहे आप ताइवान देखिए, चाहे आप तिब्बत में देखिए, चाहे आप अक्साई चीन देखिए, चीन हर जगह आक्रामक नीति अख्तियार करके रखता है। ये उसकी एक फितरत है और ये वो छोड़ेगा नहीं। अब सवाल ये कि हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि हम चीन से कैसे निपटें। अभी जो गलवान वैली में जो झड़प हुई थी 2020 में, उसके बाद से कई राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं। अभी भी वहां पर दो मुद्दों पर डिस्कशन चल रहा है और नतीजा क्या है कि वहां दोनों तरफ से 60,000 सेनाएं लगी हुई हैं, तैनात हैं उस क्षेत्र में। सिर्फ 60,000 चीन के भी हैं, 60,000 हमारे भी हैं करीब। अब इधर अरुणाचल प्रदेश में ये जो उकसाने वाली बात हुई है चीन की, अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही उसकी आंख का एक किरकिरी रहा है। कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग में जो बौद्ध मठ है वो बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। लासा जो तिब्बत में है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मठ है, और अरुणाचल को चीन शुरू से ही दक्षिण तिब्बत का एक हिस्सा मानता रहा है और वो अपने नक्शे में अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताता है। चीन को यह भी डर है कि दलाई लामा जो है भारत में रहकर उनकी गतिविधियां जो है जिस तरह से बढ़ी, और दलाई लामा के जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी, अग्रिम उत्तराधिकारी की जो खोज चल रही है वो भी शायद इसी क्षेत्र से ना हो जाए, इसलिए वो इस क्षेत्र से हमेशा दुश्मनी निभाएगा। हमको इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि चीन के हर आक्रामक रुख का हम जोरदार पुरजोर तरीके से जवाब दे सकें, और इसकी तैयारी की गई है। जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि अचानक उन्होंने आक्रमण किया, तो मैं जानकारी के लिए रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यह बताना चाहूंगा कि हमने कई एडवांस टैक्टिकल रडार सिस्टम भी वहां लगा रखे हैं। हमने वहां ड्रोन से भी टैक्टिकल रीजनल एरियाज में निगरानी रखनी शुरू कर दी है, और इसी कारण से हमको पहले से पता चल गया कि 250-300 के करीब ये चीनी यहां पर आ रहे हैं, और जिसके लिए हमें तैयारी का मौका मिला और हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो तैयारी हमारे तरफ से पूरी है। हमने चिनूक हेलीकॉप्टर मंगा लिया है कि अब पहाड़ियों में जब भी इस तरह का आक्रमण होगा तो हम तोपखाने को भी शिफ्ट कर सकते हैं वहां पे बहुत जल्दी से पहाड़ी के ऊपर में। तो हमारी तैयारी पूरी है, हमारे इक्विपमेंट, हमारे आर्म्स, हमारे जो सैनिकों के पहनावे हैं, स्पेशल थर्मल वियर मंगाए गए हैं, और हमने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है मार्शल आर्ट्स में, जो कमांडो को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है वो दिया जाता है। आलोक जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अब 2020 की घटना को और अगर हम 2022 में देखें तो कितना परिवर्तन और कितने पर्याप्त हमारी सेना है अब इन खास तौर पर इन बिंदुओं पर हो चुकी है जहां पर अक्सर विवाद होते रहते हैं? देखिए, तैयारी तो हमने काफी की है, लेकिन एक दो क्षेत्रों में हमें अभी और तैयारी करनी है। जैसे हमें अपने वायुसेना के स्क्वाड्रन्स बढ़ाने हैं,
हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स जो हम तेजी से खोज कर रहे हैं अभी विश्व में, वो तत्काल लेना पड़ेगा जब तक कि हमारा अपना फिफ्थ जनरेशन या फिर 5.5 जनरेशन हमारा एमएमसी या डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमको तत्काल कुछ जहाज लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो फ्रंट पर अगर युद्ध होगा तो भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, हमें उसकी अभी काफी कमी है। तो ये तो तैयारी, जहां तक सेना की तैयारी है वो हमने पूरी कर ली है, एयर डिफेंस की तैयारी की है वो हमने पूरी की है, हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट मंगाए हैं वो काफी विकसित और काफी सक्षम है, हमने टैंक्स में डेवलपमेंट किए हैं, हमने तोपखाने टैंक की जैसे आर्मर्ड व्हीकल पे लगाए हैं, कई इनोवेशन किए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे सक्षम सर्वोत्तम तोपखाना अभी हमारे देश में बनाया जाता है, भारत फोर्ज कंपनी ने इसमें लीड लिया है टाटा पावर के साथ में। तो कई तरह के हमने डेवलपमेंट किए हैं, तैयारियां की हैं, और इससे चीन जो है अब उसके लिए आसान नहीं होगा भारत को छोटी छोटी जगहों पर जाकर के अपने पोस्ट को उसको उखाड़ना, और हम अपने जगह पर हमने अपनी स्थिति मजबूत रखी हुई है। कारण क्या है कि हमारी जो टैक्टिकल पोजीशन है वो चीन से बेटर है, चीन से अच्छी उन जगहों पर, और ये चीज चीन को सुहा नहीं रहा है, वो चाहता है कि किसी तरह से इन दो पहाड़ियों से, इस पहाड़ी से, उस चोटी से हम भारत को बेदखल करके जल्दी से उस पर कब्जा कर लें, और ये वो कर नहीं पा रहा है, और इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। ये घटना इसलिए हुई है कि जाड़े के पहले चीन चाहता था कि इस चोटी पे 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीयों को वहां से हटा करके वो अपनी चोटी बना ले, ताकि उसका टैक्टिकल एडवांटेज होगा, ऊपर से एरियल व्यू उसको मिलेगा और वो सारे एरिया पर बेटर कंट्रोल रख पाएगा, ठीक है, जो कि वो नहीं कर पाया। जी जी ठीक है। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, जो टैक्टिक की बात की गई, जो पोजीशन है, चाहे हम बात करें तवांग की या फिर लद्दाख में गलवान की, तो क्या लगता है आपको, चूंकि इस बार जो हमारे सैनिक थे उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है जिस तरह से जानकारी सामने आई है, और काफी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन जो एक शब्द बार बार कहा जाता है कि एग्रेसिव पेट्रोलिंग दोनों ही तरफ से की जाती है, लेकिन 200 से 300 की संख्या में एग्रेसिव पेट्रोलिंग का मकसद आखिर क्या कुछ दिखाई देता है? ये तो कहीं से भी निश्चित तौर पर नहीं नजर आता कि ये कोई साधारण प्रक्रिया थी या साधारण गश्त थी जो चीनी सैनिक कर रहे थे। ये तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि चीन की मंशा ठीक नहीं थी और कोशिश यही थी कि इस जगह पर कब्जा किया जाए। देखिए, चीन की मंशा तो बिल्कुल क्लियर है और वो हमें पता भी है, और हमारी सेनाएं बहुत बहादुरी के साथ इसे निपट रही हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इक्विपमेंट और जो हथियार हमारे हैं उतने सशक्त नहीं है कि हम चीन को इतना डिटरेंट रखें कि चीन हिम्मत ही न करे। हमें स्थिति खासतौर से अरुणाचल में और लद्दाख में, इन दो जगहों में ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है कि चीन आंख न उठा सके, और इसके लिए हमें अपना एयर डिफेंस और मजबूत करना पड़ेगा। हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो सेना है, वो बहुत तगड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, और पहाड़ के ऊपर बर्फीले पहाड़ों में अब उसकी लड़ने की ताकत दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। और चीन के हमले के बाद हम सतर्क हुए हैं, ये बात सही है, और हमें और थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से जो मेड इन इंडिया में जो हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसा भी आलोक जी ने भी कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर हम अभी पीछे 5-7 साल पहले की स्थिति देखें और आज की स्थिति भी देखें, तो भारत बहुत आगे जा चुका है। देखिए, इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि चीन के ऊपर अभी हमारी डिपेंडेंस आर्थिक रूप से बहुत है। चीन जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो चीन के फेवर में है, और बहुत जबरदस्त उसके फेवर में, यानी हम चीन के अभी बहुत बड़े कर्जदार अगर देखा जाए व्यापार में, तो हमें ये स्थिति पैदा करनी चाहिए कि हम चीन से कम माल मंगाना शुरू करें, और चीन को ये हो जाए, ये लेसन चीन को हम दे सके कि तुम्हारे बगैर भी हमारी अर्थव्यवस्था चल सकती है। बिल्कुल, काम कई सेक्टर्स ऐसे हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, जहां भी और तेज गति से करना होगा। लेकिन मैं एक बार राहुल लाल जी के पास जाना चाहूंगा। सर राहुल लाल जी, जो पोजिशन लद्दाख की बात करें या फिर हम बात करें जिस इलाके में 9 तारीख को घटना पेश आई, बताया जा रहा है कि यहां पर जो भारतीय सैनिक है वो मजबूत पोजीशन में है, ये वजह भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जो 2020 और 2022 में अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो कितना पर्याप्त अब आप सैनिकों की मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया गया, चीन को काफी नुकसान पहुंचाया गया है, क्या आपको लगता है कि इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा, जो चीन की नीतियां हैं उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि भारत भी अब और मजबूती के साथ अपना पक्ष खास तौर पर इन बिंदुओं में रख रहा है? अब नहीं, देखिए एक चीज तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि
ऊंचाई पर लड़ने की क्षमता चीनी सेना की भारतीय सैनिकों की तरह हो ही नहीं सकती। 1984 के आपको याद हो, हम लोग सोचे कि ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना 1984 से तैनात है जी। तो हाई एटीट्यूड एरिया में किस तरह से लड़ाई लड़े, कैसे लड़े, उसमें भारत को, हम लोगों को बिल्कुल महारत हासिल है। चीन अभी बिल्कुल, राहुल जी माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, समय की कमी है सर। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए, चूंकि कदम उठाने की बहुत जरूरत है, लेकिन मुंहतोड़ तरीके से भारतीय सैनिकों ने इस बार चीन को करारा जवाब दिया है। रुकेंगे।